बर्फ जम गई भैया हमारी खिड़कियों पे। हमारी खिड़की से बाहर का नजारा देखेंगे आप लोग। फोकस क्यों नहीं कर रहा भाई? ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, काजा की एक ठंडी सुबह और हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए, घूमने के लिए और आपको स्पीति दिखाने के लिए। गाड़ी हमने कर दी है स्टार्ट, हो गई एक बार में, थोड़ा लंबा क्रैंक लिया उसने लेकिन हो गई स्टार्ट, हो रखी है। अभी नाश्ते का वेट कर रहे हैं, नाश्ता भी आएगा, बाहर ही लगा रखा उन्होंने धूप में, धूप भी आ गई है यहाँ पे, ठंडा बहुत हो रखा है भैया। अभी -18 के आसपास टेम्परेचर दिखा रहा है हमारा फ़ोन जो दिखा रहा है, लेकिन ठंड ऐसी हो रखी है, हाथ थोड़ा देर बाहर जैसे फ़ोन पकड़ा हुआ मेरा हाथ सुन हो रखा है। तो चलेंगे अभी, फिर आपको दिखाते हैं, हो सकता है आज हम पिन वैली वगैरह भी जाएं, तो देखते हैं जैसे भी बनता है हमारा, जहां भी जाएंगे आपको तो दिखाएंगे। और ये है हमारा होम स्टे, जिगमी होम स्टे, बहुत ही बढ़िया लग्जरी होम स्टे है भैया। ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब कुछ मिलेगा आपको, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है लेकिन पानी की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जैसे हमें और जगह हो रही थी। यहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है लेकिन पानी मस्त है, वो हमारी बालकनी है उधर, वहाँ पे बालकनी भी है। वहाँ हमने अभी एक ना रात को स्टार ट्रेल बनाए थे जो आपने अभी देखा होगा, तो बढ़िया है यहाँ पे। अब ये सामने काजा के मस्त व्यू। चलो भैया हाथ हो गए मेरे सुन, नाश्ते का वेट करते हैं फिर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। अरे रोड क्लोज क्यों दिखाता है? नहीं है भाई रोड क्लोज, खुली पड़ी है रोड, इसको लग रहा है रोड क्लोज पड़ी है ये हमारे मैप को, क्योंकि सारी रोड क्लोज दिखा रहा है। तो चले भैया पिन वैली चले कि लांगजा चले? पहले लांगजा कितना दूर है? लांगजा मैं सोच रहा हूँ आज ना लांगजा वगैरह चलते हैं, पिन वैली वगैरह कल जाएंगे अगर कल रुकेंगे तो, नहीं तो उसे तो हम रास्ते में भी कर सकते हैं जाते समय, है ना। तो आज चलते हैं गाइस लांगजा, कॉमिक, हिक्किम, अलग अलग जगह, और टाइम होगा तो शाम को कर लेंगे पिन वैली, क्योंकि उधर है जबरदस्त, कह रहे हैं रास्ते में बर्फ होगी। ज्यादा थोड़ी ना बोल रहे हैं, छोटी सी बोल रहे हैं, थोड़ी भी हो जितनी भी हो, लेकिन अभी ठंडी का मौसम है ना, उधर की तरफ साला धूप ही नहीं है, उस साइड पे जिस साइड हमने जाना है उस साइड को धूप नहीं है। तो बनाओगे कहाँ पे? धूप अभी इस साइड को है। तो उसकी वीडियो कहाँ बनाओगे जो लेके आया? वो कहाँ रखा है? पीछे तो है। हाँ तो रास्ते में बनाएगा ना, तो ऊपर यहाँ से निकालेगा इसके ऊपर से, इसके ऊपर से कहाँ? अब यहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट, कहाँ के लिए? लांगजा, लांगजा के लिए। चलो पहले लांगजा ही चलते हैं। चलो गाइस आपको आज ले आते हैं वाइल्ड स्पीति के हमारे इस एपिसोड में लांगजा विलेज, कॉमिक विलेज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, और हिक्किम जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर। तो चलो फिर हिमालय की ऊंचाइयों पे ले जाते हैं आपको। तो भैया ये जो लांगजा का कट है, ये जो सामने जा रहा है ये चीचम के लिए जा रहा है, चीचम तुम्हारा किब्बर वगैरह के लिए, लोजार के लिए हम यहाँ पे रुक गए हैं। ये कट ऊपर जा रहा है लांगजा,
लांगसा विलेज के लिए, और यहीं से यही रोड जाती है आपका कॉमिक और हिकिम। और ये सामने लगा हुआ है बोर्ड, वेलकम टू फॉसिल एरिया, इमर्ज फ्रॉम टिथिस। ओ भाई, ये क्या फॉसिल मिलते हैं क्या? वेरी गुड। तो ये जगह किसी टाइम पे बहुत पहले पानी के नीचे, समुद्र के नीचे रही होगी ना, तो यहाँ फॉसिल मिलते हैं अभी भी, उसके फॉसिल ढूंढे जाते हैं यहाँ पे। क्या क्या लिखा हुआ है, चलो ये हमारे काम का नहीं है। थोड़ा सामने का था, थोड़ा धूप सेकी जाए क्योंकि हाथ उत सब ठंडे हो रखे हैं, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए भैया, लांगसा की तरफ हमारी दौड़ शुरू हो गई है। पहले लांगसा जाएंगे, फिर वहां से जाएंगे कॉमिक। ये तो अच्छा मिल गया दोस्तों। हाँ, ये तो एक खराब हो गया था मेरा। ये क्यों टूटा पूरा है? कॉमिक यहाँ से है 21 किलोमीटर। पहले ये कॉमिक और हिकिम जाने का ना रास्ता अलग होता था। कहाँ पे था? अभी आएगा रास्ते में। पर ये जो दूसरा रास्ता नहीं दिखा रहा है मैप में, वो है रास्ता, वो कच्चा है। कच्चा मतलब ये जैसे बना रखा है ना, ये तो प्रॉपर बना रखा है, चौड़ा पक्का, वो थोड़ा वैसा है। उस पर बर्फ भी होगी शायद, उस पर बर्फ पड़ी होगी क्योंकि सफाई नहीं हुई होगी ना उसकी, सफाई इसकी हुई होगी केवल। पता कर लेंगे वहाँ पे हिकिम में, हिकिम से निकलता है ना ये रास्ता नीचे को, कि भैया ये रास्ता खुला हुआ है, इस पर ज़्यादा इसमें तो नहीं है यार। रोड अच्छी है, वहाँ खाई ज़्यादा है। ब्लैक आइस है इधर, ब्लैक आइस तगड़ी वाली। यहाँ धूप नहीं आ रही क्योंकि। तो गाइस, यहाँ पे हमने गाड़ी रोक दी है लांगसा से थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये व्यू देख के हम मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत ही सुंदर है, पूरा खुला सा मैदान सा है वैली, और ये देखो पूरा चारों तरफ हम घाटी में हैं ऐसा लग रहा है। चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और उनके बीच में हम खड़े हैं। अब वहाँ कहीं जाना है हमने आगे, वहाँ कहीं है लांगसा, वहाँ जाएंगे लांगसा विलेज, उसके बाद आगे जाएंगे। ये पूरा मैदान सा है देखो। एक है भैया को बहुत ठंड लग रही है, बाहर नहीं निकल रहा। निकल जा बाहर, तू यहाँ देखने आया है, क्या करने आया है यहाँ? और हमारी गाड़ी भैया सारी जो ब्लैक आइस है उसमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा उसे, ऐसे रोनती हुई आ रही है ब्लैक आइस को, रोनते हुए सीधा, कोई दिक्कत नहीं हो रही गाड़ी को। तो टायरों का और इसका जो अपना है ही इनका स्नो मोड, बहुत काम कर रहा है मस्त। पहली बार एक्सट्रीम में उसकी टेस्टिंग हो रही है। चलो भैया, हमारा लांगसा का सफ़र शुरू करते हैं। बहुत मज़े कर लिए यहाँ पे, रील रूल बना लिया हमने मस्त। ओहो, बर्फ यहाँ पे, क्या है ये, क्या चीज़ है ऐसी बना रहे? गाड़ियाँ घूमती है क्या यहाँ पे? गाड़ी कहाँ से घूमेगी? अरे लोग घुमाते हैं ना गाड़ियाँ। ये देख दो, पूरी ब्लैक आइस है, साइड साइड में है, बीच में है।
कॉमिक विलेज। लांगजा दिख क्यों नहीं रहा है? लांगजा पिछली बार हम आए थे, दूर से ही फोटो खींच के चले गए थे हम लांगजा के। लांगजा में गए नहीं थे हम, इस बार हम जाएंगे लांगजा गांव में। ठीक है, गांव है क्या? अच्छा, जा घर है सबसे ऊपर वो हिक्के में। हिक्के में ये लांगजा में तेरे को बताया था कल कि वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पे एक बुद्धा की मूर्ति है जो यहीं से दिख जाएगी तुझे। तो बुद्धा की मूर्ति तो मैंने बहुत देखी है। तो यहाँ पे भी है ना, लोग फेमस उसके साथ फोटो खिंचाने जाते हैं वहाँ। नहीं मतलब दिखती तो है, बुद्धा की मूर्ति बहुत दिखी थी ना। लोग भी होंगे ऊपर बहुत सारे, अभी तो कोई गया नहीं ऊपर। सुबह सुबह हम ही जा रहे हैं, दो गाड़ियां गई हैं अभी। एक तो दोनों मेरे को लग रहा है लोकल ही थी वो, एक तो टैक्सी थी ना। तभी तो बोलते हैं इतनी जल्दी जा रहे हो, ये भी बोल रहे हैं इतनी जल्दी भी जा रहे हो। यहाँ बहुत तगड़ी बर्फ गिरी रहती है, जब अब कल गिरेगी ना जैसे, बहुत ही खतरनाक गिरेगी। गिरती रहती है क्या रोज? अभी नहीं गिरती है, देखा ना तुमने, आसमान बिल्कुल साफ होता है यहाँ, कोई बादल बूदल कुछ नहीं। तभी तो मैं बोलते हैं बारिश बुरिश कुछ नहीं होती है, जब बर्फ गिरती है बस तभी। बर्फ तो रोज ही गिरती रहती है। यहाँ से काजा 13 किलोमीटर है, और ये सामने जो दिख रहा है आपको गांव, ये है लांगजा गांव। लांगजा गांव के बुद्धा की मूर्ति, लांगजा गांव की मोनेस्ट्री है वो। और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, आंखें नहीं खोल सकता भाई, गॉगल्स में भी आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है। इतनी तेज धूप चल रही है, लेकिन हवा भी इतनी चिल्ड है, हैं? बहुत चिल्ड हवा है। तो गाइस ये पहुंच गए हम लांगजा, और ये है लांगजा मोनेस्ट्री, ये सामने। और नीचे जो बुद्धा का स्टैचू है वहां तक होके आते हैं हम जरा, वो नीचे है बुद्धा स्टैचू। देखो क्या मस्त लोकेशन है यहाँ की, क्या बेहतरीन जगह में है ये। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है,
अभी तो यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, अभी तो केवल एक टैक्सी आ रखी है, उसमें थोड़े से टूरिस्ट आ रखे हैं, वहीं पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है। ठंडा बहुत है यार, पूरा पैक हो रखे हम। ये जो लांगजा विलेज है ना, वो नीचे भी है वहाँ। ओ देखो वहाँ पुराना वाला लांगजा विलेज, पुराना वाला जो है वो नीचे है और नया वाला यहाँ बसा हुआ है। और ये देखो एक कैफ़े है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, स्पेसशिप कैफ़े। एलियन बने हुए हैं उसमें, स्पेसशिप बनी हुई है। स्पीति वैली का स्पेसशिप कैफ़े है, मूवी नहीं चल रहा भैया। और ये है वो फेमस बुद्धा जी की का स्टैचू, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे लांगजा विलेज में। केवल इसी स्टैचू की वजह से यहाँ लोग आते हैं। भाई ठंड तो ऐसी हवा चल रही ना, बिल्कुल चिल टेम्परेचर दिखा रहा है, -19। भाई हालत खराब है, हालत खराब। जय हो पता जी। तो ये देखो भैया, यहाँ पे हमने पर्ची कटाई है स्टैचू बुद्धा स्टैचू लांगजा, यहाँ की मेंटेनेंस फीस। और ये हैं बुद्धा जी। वाह क्या सुकून मिला है यहाँ पे आके, बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ ऊपर एक चिड़िया बैठी है, पूजा कर रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने हमारी पर्ची काटी थी। अभी उन्होंने यहाँ पे पहले दिया जलाया, फिर अब पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये बुद्धा जी की यहाँ पे दिया जलाते हैं। ये एल्टीट्यूड लिखा है यहाँ पे 14,300, लेकिन अंकल बता रहे थे 14,400 हो गया है, ये थोड़ा 100 फीट गलत लिखा हुआ है। अब आप बुद्धा जी की मूर्ति के साथ पूरा इसका सराउंडिंग देखिए, कितनी बढ़िया है। ठंडा बहुत है यार, वो देखो कितने सारे कबूतर बैठे हैं वहाँ। जाऊँ मतलब उड़ाने जाएगा क्या उन्हें, वो देख। दूसरी गाड़ी भी आ गई कोई वहाँ, वो देख टैक्सी। तो भैया लांगजा से तो निकल रहे हैं, वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई थी भैया, लेकिन 14,000 फीट में है ना, तो हालत ख़राब हो गई है। उफ सांस फूल गई पूरी, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने में। हैं इतनी सी चढ़ाई में सांस फूल गई इतनी ज़्यादा। हाँ मैंने भी तो ऐसी जब वीडियो बनाई मेरी भी ऐसी खुल गई थी, पता है। मुझे बताएं 14,400 फीट बता रहे थे अंकल, वहाँ 14,400 300 लिखा है, 1400 लिखा था, 400 बता रहे थे अंकल।